हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जल्दी से इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाए। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्त जल्दी से आ जाए आपके। गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम का इशू होने के कारण आपका क्लास अभी के टाइम में लिया जा रहा है। बाकी एक से दो क्लासेस के बाद आपका टाइम जो है फिर से नाइट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे भी कि सर क्लास नाइट में रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। ओके, तो क्लास आपका शाम में मतलब रात में ही रखेंगे, ठीक है। बस एक से दो क्लास आप लोग कर लीजिए इस टाइम में। चलिए, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप लोग फटाफट आइए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। चलिए ओके, उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे, दोस्तों के पास शेयर भी कर दिए होंगे। अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पे पढ़ के आए होंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ बेसिक से शुरू कर रहे हैं। आज 2023 में ये फर्स्ट क्लास है आपका, आप लोग को मालूम होगा 2023 में ये हमारा फर्स्ट क्लास है। तो हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, पीछे से शुरू करते करते आपके एग्जाम तक में 2022-23 तक के जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सबका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लीजिएगा सर कब क्या होगा, बस अभी से जो क्लासेज ले रहे हैं उसको कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसको कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे। एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है, ठीक है। एक वर्षीय फसल का उदाहरण कौन नहीं है ये आपको बताना है। आप लोग आंसर दीजिए, तब तक मैं यहाँ पे पैड ऐड कर लेता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कुछ कुछ चीज़ें। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, इनमें से कौन है जो एक वर्षीय फसल का उदाहरण नहीं है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, फसलों की खेती क्या है। चैप्टर फर्स्ट आपका क्या है, जो भी है उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। चैप्टर फर्स्ट 5 मार्क्स का वेटेज लगता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से देखिएगा इसको। चलिए यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, आंसर दीजिए आप लोग, आंसर क्या क्या दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ओके, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे सही आया है। ऑप्शन बी यहाँ पे, प्याज क्या है हमारा, प्याज हमारा द्विवर्षीय होता है सबको पता है ना, ये हमारा बायनियल है, बाकी सब एनुअल हमारा है, गेहूं एनुअल होता है आपको पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, बी होगा सर, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर। पायल कुमारी, मनीष राज, मनीष यादव, आर्या चंदन, सबका सही आंसर, वेरी गुड। चलिए चलते हैं आगे, हम लोग फटाफट करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हैं, ताकि एक घंटा में सब कंप्लीट भी हो जाए। अगला छोटी बीज वाली फसल है, स्मॉल साइज सीड क्रॉप इज, इसमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसका बीज जो होता है छोटा होता है। ऑप्शन ए गोभी, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चना। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, इसमें से कौन सा ऐसा फसल है जिसका बीज जो होता है काफ़ी छोटा होता है, किसका छोटा होता है आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, दो का ए बालाजी बिट्टू कैप्टन, कितना स्पीड में आप लोग का जा रहा है, नाम भी नहीं पढ़ पा रहे हम तो। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, वेरी गुड बिट्टू, सुमित, मनीष, कैप्टन, ओके, ए, दो का ए, दो का बी, कुछ लोग ए बी बता रहे हैं, क्या बात है, गलत कर रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो राइट आंसर होगा, चलिए सही है, हाँ वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन ए गोभी, ठीक है। कलीफ्लावर क्या होगा राइट आंसर, इसका बीज जो होता है काफ़ी छोटा होता है, अगर देखा जाए मक्का गेहूँ और चना, ठीक है, इस सब की तुलना में इसका बीज छोटा होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर, सितंबर अरहर का प्रभेद है, ठीक है, वेराइटी ऑफ सितंबर अरहर इज, इसमें से सितंबर अरहर का वेराइटी कौन सा है। ऑप्शन ए शरद, ऑप्शन बी बहार, ऑप्शन सी मालवीय अरहर, ऑप्शन डी नरेंद्र अरहर, बताइए सितंबर अरहर का प्रभेद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताइएगा। अंकुर कुमार दो का ही बता रहे हैं, अजय कुमार हो गया दो, हो गया तीन पे आइए।
एक चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जो क्लासेज होगी इसमें कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। ये नहीं कि सर छोड़ के चल जाते हैं, थोड़ा तो पेशेंस रखिएगा। जो भी क्लासेज हमारे यूट्यूब पे आएगी वो सारे क्लासेज आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, इसको आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा। सही है आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए बता रहे हैं, वेरी गुड। थर्ड का ए, थर्ड का ए, थर्ड का ए, सबका सही आ रहा है, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन ए, सबका सही है। सर क्या है हमारा, सितंबर अरहर की वेरायटी है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर फोर, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, व्हाट इज द बोटनिकल नेम ऑफ व्हीट। सबको पता होगा, काफी बेसिक क्वेश्चन है और यहाँ पे जितना ऑप्शन है सब पूछेंगे भी आपसे हम, ठीक है। बताइए गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, आप लोग को अच्छे से याद हो जाना चाहिए सब चीजें, बेसिक चीजें हैं ये। तो बोटनिकल नेम क्या होता है गेहूं का, काफी अच्छा और बेसिक क्वेश्चन है, बता दीजिए एक बार। सर लाइव इंड होने के बाद वीडियो का अपलोड कर दीजिएगा। ओके ओके चंदन, आर्य चंदन, हो जाएगा ये अपलोड, ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है, डोंट वरी। और इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट हम बना दिए, आपके बैच में एक प्लेलिस्ट आपके बैच में बन गया है, आप लोग चेक कीजिएगा। अभी जस्ट क्रिएट किए थे एमसीक्यू सीरीज 2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट, उसमें ये वीडियो ऐड कर दिए हैं। आज से मतलब आज से जो क्लासेज आपके यूट्यूब पे होगी एमसीक्यू सीरीज, वो सारा एक फाइल में चला जाएगा ऑटोमेटिक, तो आप लोग सिंपली वहां से पढ़ सकते हैं, ये आप ही लोग के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर कितना, चार पे थे ना हम लोग। हाँ क्वेश्चन नंबर चार का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है, आधार अधूरा दिया गया है। अच्छा आप लोग ऑप्शन लिख रहे हैं ए बी सी ना, चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर चार का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, सही है। टीटिकम एस्टिवम जो होता है बोटनिकल नेम होता है किसका, गेहूं का। अगर बात करते हैं ओरिजा सैटाइवा किसका होता है, ऑप्शन ए जो दिया गया है ओरिजा सैटाइवा ये किसका होता है, तो सबको पता होगा भैया ये धान का होता है, ये पैडी का होता है, पता है ना। जिया मेज की बात करते हैं किसका होता है, तो सर ये तो मेज मतलब होता है मक्का, मतलब मक्का का होता है, आप लोग को ट्रिक पता होगा, मेज का मतलब क्या होता है, मक्का होता है, तो जिया मेज किसका हो, मक्का का। केजनस, केजन किसका होता है, तो यह अरहर का होता है। देखिए ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं ये सब ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चेंज होकर एग्जाम में आ सकते हैं। यहाँ पूछा है गेहूं का, पूछ देगा एग्जाम में धान का क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, वेरी गुड। चलिए सबका आंसर सही है, आप लोग पूरा डिटेल में लिख रहे हैं ना, अच्छी बातें हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं कि आप लोग पूरा डिटेल्स में लिख रहे हैं। चलते हैं आगे, अगला हमारा यहाँ पे है मूंगफली का रोग कौन सा है, मूंगफली फसल में कौन सा रोग लगता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ग्राउंड नट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तिलहनी फसलों का राजा कहते हैं इसे, आप लोग को पता होगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए ऑयल सीड क्रॉप का मतलब तिलहनी फसलों का राजा किसे कहते हैं, ठीक है, तो किसे कहते हैं, ग्राउंड नट को कहते हैं। एरेचिस हाइपोजिया इसका बोटनिकल नेम होता है, ये भी पता होगा आपको, बता दीजिए इसका क्या होता है, कौन सा इसमें डिजीज लगता है। ऑप्शन ए अनाप्तित कलिका है, ऑप्शन बी टिक्का रोग है, ऑप्शन सी उकटा रोग है, ऑप्शन डी अस्थम मूल संधि गलन रोग है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डिजीज से पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको भी हम अच्छे से बता देंगे आप लोग को क्योंकि इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आप लोग कितना बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच का बी बता रहे हैं ना, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं, टिक्का रोग बहुत ही फेमस डिजीज है ये, मूंगफली में लगता है, कई बार आपका एंट्रेंस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइक आप बीएचयू का प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए तो रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार ये, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन बी टिक्का रोग सही है। अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, अनाकृत कलिका रोग किसमें लगता है, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो बताइए, अनाकृत कलिका रोग ये किसमें लगता है, कौन से फसल में लगता है, जल्दी बताइए, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है इसका। ऑप्शन ए जो दिया गया वो किसमें लगता है, कौन सी फसल में वो बीमारी लगती है, देखते हैं सबसे पहले आंसर और सही आंसर कौन देता है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है रोहित कुमार, गेहूं बता रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। ये जो मनीषा कुमारी भी सही है आपका, वाट लिखिए वीट लिखना चाहिए था, बाकी आपकी बात को हम समझ चुके हैं, वेरी गुड, ये हुई अच्छी बात ना, आहा क्या बात है, बहुत अच्छा सही है, गेहूं में लगता है वीट में लगता है, अच्छा आंसर दिए हैं। ये जो डिजीज होता है ना आप लोग पढ़े होइएगा, ये गेहूं में लगता है। क्लास 11th वाला कोई बच्चा क्लास कर रहा है अभी यहाँ पे, क्लास 11 से कोई है यहाँ पे, अगर क्लास 11 वाला कोई यहाँ पे होगा तो आप लोग के भी बैच में भी पैथोलॉजी चल रहा है, प्लांट पैथोलॉजी, तो आप इसको तो ये आपका आपसे भी रिलेटेड है, आप भी इसको बना पा रहे होंगे इजिली, आपको ये भी आता होगा फिर, क्योंकि 11th में भी क्या चल रहा है आप लोग को, पैथोलॉजी चल रहा है, आप लोग सारा डिजीज पढ़े होइएगा वहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग को भी आना चाहिए ये। आगे चलते हैं, उकटा रोग किसमें लगता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, उकटा रोग फ्यूजेरियम, नहीं आंसर नहीं बताएंगे छोड़ दीजिए, मेरे जुबान से आंसर निकल रहा था, हाँ चना में लगता है उकटा रोग, ठीक है, वेरी गुड सही है, चना में लगता है, ये किसमें लगता है, चना में। अच्छा अस्थम मूल संधि रोग किसमें लगता है, ये किसमें लगता है, डिजीज वाला क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए अच्छे से आंसर दीजिए, बताइए
अस्थम मूल संधि रोग किसमें लगता है, ये भी काफी अच्छा, कॉलर रूट, इंग्लिश वाला जो है सुन लीजिए, कॉलर रूट कहते हैं इसको, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कॉलर रूट इसको, हिंदी में बहुत बड़ा नाम है इसका, अस्थम मूल संधि रोग किसे संधि जो है किसमें लगता है, वेरी गुड, मसूर में लगता है, ठीक है, ये जो है आपका ये मसूर में लगता है, ये मसूर में लगता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, लेंस स्कुलेंटा कहते हैं, बोटनिकल नेम इसका होता है। चलिए आगे चलते हैं, पूरा यहाँ बता दिया आपको जो बताने लायक चीज़ थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, पूछ रहा है फसल प्रणाली के प्रकार हैं, फसल प्रणाली के प्रकार हैं, चैप्टर 3 में पढ़े हुए फसल प्रणाली क्या होती है, वो कितने टाइप्स की होती है, बताइए, एक फसलिया फसल प्रणाली, बहुफसलिया फसल प्रणाली, या ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं है, मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम, या दोनों होता है, क्या होता है, जरा आंसर बता दीजिए आप लोग। आंसर बता दीजिए किसमें होता है, जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, 6 का राइट आंसर सी होगा, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दोनों होते हैं ना, एक फसलिया फसल प्रणाली और बहुफसलिया फसल प्रणाली, दोनों दो प्रकार की होती है, आप लोग पढ़े होइएगा, टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम चैप्टर 3 का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मटर फसल के प्रभेद हैं, वेराइटी ऑफ पी क्रॉप, बताइए मटर का प्रभेद कौन सा है यहाँ पे, ऑप्शन ए रचना, ऑप्शन बी अपर्णा, ऑप्शन सी पूसा प्रभात, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है मटर का प्रभेद कौन सा है, इस टाइप से आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, शॉर्ट टाइप में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, जरा क्वेश्चन सुन लीजिए, मटर के दो प्रभेद के नाम बताइए, दो नंबर, दो क्वेश्चन, दो वेराइटीज का नाम लिखिएगा सिंपली आपका दो, ठीक है, दो वैरायटीज का नाम लिखिएगा सिंपली आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो आंसर बता दीजिए आप लोग 7 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी होगा, भैया कोई सी कौन बता रहा है, ऑप्शन डी होगा ना 7 का, ये सब वैरायटी क्या है मटर का ही है, रचना भी है, अपर्णा भी है, पूसा प्रभात भी है, ठीक है, ये तीनों क्या है, तीनों आपके वैरायटी है मटर के, तो इनमें से सभी दे दीजिए, ऑल ऑफ दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इनमें से अम्लीय मृदाओं का सुधार किया जाता है, बताइए जब अम्लीय मृदा हो जाता है उसका सुधार कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, चैप्टर 4 में आप लोग इसको अच्छे से पढ़े होइएगा, अगर चैप्टर 4 पढ़े हैं तो वहां पे दिया हुआ है ये, चूना पत्थर वगैरह पढ़े हैं ना CaO, चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है ये हमारा 8 आ गया ना, इनमें से अगर मिट्टी हमारा अम्लीय है तो उसका सुधार करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी है। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर या फिर जो भी ऑप्शन दिया गया सबका आंसर दीजिएगा, क्या क्या होगा राइट आंसर, चलिए जो लोग नए हैं चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज लोगों को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको इससे मिलती रहेगी, ठीक है, जो लोग नए नए आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आपके बोर्ड एग्जाम तक ये चीज़ें क्लासेज चलती ही रहेगी। चलिए क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी दे रहे हैं ना, वेरी गुड, सही है, जो भी लोग यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हैं उन सबका सही है, ठीक है, इन सब से हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चूने का मृदा पर भौतिक प्रभाव क्या है, देखिए यहाँ भौतिक पूछा है, कई कई एग्जाम में JBP पूछता है, ठीक है, यहाँ जो पूछा है ना फिजिकल इफेक्ट पूछा है, कभी कभी आपके एग्जाम में बायोलॉजिकल इफेक्ट भी पूछ देता है, बताइए फिजिकल इफेक्ट क्या है, तब बताएंगे बायोलॉजिकल के बारे में, हाँ सही है, डी होगा सर, वेरी गुड, विवेक कुमार आपका, अच्छा आप मेंबरशिप लिए हुए हैं क्या इस चैनल का, क्योंकि आपके ID पे जो है हम देख रहे हैं स्टार बन के आ रहा है, क्या बात है, आप लगता है चैनल का मेंबरशिप लिए हुए हैं क्या, एक सेकेंड, इसका विवेक का ID ये रहा, हम अभी गौर किए हैं, अच्छा, चलिए चलिए, चलिए ओके, थैंक यू ए भारद्वाज, चलिए ओके, अच्छी बात है, सब्सक्राइब कर दिए हैं आप तो, आप नए हैं चैनल पे ना, चलिए ओके, आपका नाम पढ़ चुके हैं हम, चलिए चलते अपने क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 का जो लोग क्या बता रहे हैं, बी बता रहे हैं, सबका सही है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी जो लोग बता रहे हैं, अंतःस्पंदन व अंतःस्रवण की वृद्धि होती है, ये बिल्कुल सही है आप लोग का,
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रबी मौसम के खरपतवार कौन से हैं। अब खरपतवार पढ़े होइएगा, रबी का कौन सा है, खरीफ का कौन सा है ना, बहुवर्षीय कौन सा है। आप लोग वीड वाला चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़े होइएगा, वीड का क्या क्या होता है। तो वहाँ आपको बताया गया कि रबी में कौन सा होता है, खरीफ में कौन सा होता है, एक वर्षीय कौन सा होता है, बहुवर्षीय कौन सा होता है, इस टाइप से आपको सारा बताया गया है। तो यहाँ पे चूज करना है आपको कि बताइए रबी मौसम का कौन सा होता है, बताइए कौन सा होगा राइट आंसर। एग्रीमोनी मैक्सिकाना, ट्राइएंथेमा मोनोगाइना, बोरहेबिया डिफ्यूजा, या फिर कोमोनिला न्यूडी फ्लोरा, क्या होगा राइट आंसर। एक सिंपल सा टेक्निक यहाँ पे है, सिंपल सा आपको ट्रिक यहाँ पे है, उसको अगर जान जाइएगा तो आसानी से आप लोग आइडेंटिफाई कर पाइएगा, इजी तरीका है। बता देते हैं, अभी वेट कीजिए, बहुत ही इजी तरीका है। पहले आप लोग आंसर दीजिए फिर बताएंगे। नहीं पता है सर? अरे एकदम बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखिए सिंपल से क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि रबी मौसम का खरपतवार कौन सा है, ठीक है। आपके अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे मौसम में कौन सा फसल होता है, तो सबसे पहले रवि की नाम लेते हैं, आपके मन में एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर रवि में तो गेहूं होता है ना, गेहूं कब होता है, ये रवि सीजन में होता है। सोइंग टाइम की बात करते हैं तो अक्टूबर नवंबर होता है, अक्टूबर टू नवंबर इसका क्या लगाने का टाइम होता है, क्लियर है। तो आप बताइए गेहूं का खरपतवार कौन सा है यहाँ पे। अब तो आता होगा आपको, जिसको हम लोग कहते हैं गुल्ली डंडा, गेहूं का मामा, किसको कहते हैं, एग्रीमोनी मैक्सिकाना को कहते हैं, ऑप्शन ए को कहते हैं। ये तो याद, चैप्टर टू में पढ़े हैं गेहूं वाला चीज में, आप याद आया, अब भी याद नहीं आया कि अब याद आ गया, इतना इजी बता दिए आपको। गेहूं को लगाते हैं ठंड के मौसम में, रबी सीजन में, जिसका सोइंग टाइम होता है अक्टूबर नवंबर। अब गेहूं में कौन सा फसल लगता है, तो गेहूं में कौन सा ये खरपतवार लगता है, तो हम लोग कहते हैं ना गेहूं का मामा ना, या फिर एग्रीमोनी मैक्सिकाना भी कहते हैं उसको, बहुत सारा इसका डिफरेंट अलग अलग नाम है, आप लोग पढ़े होइएगा। तो वही तो यहाँ पे दी गई है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया ऑप्शन दे दिए आप राइट आंसर, आगे चलते हैं। पूछ रहा है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कौन सा है, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इसमें से कॉन्टैक्ट संस्पर्श शाकनाशी कौन से होते हैं, आप लोग को अच्छे से बताएं, क्लास में थ्योरी पोर्शन पढ़े हैं तो आपको ये बन जाएगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि बीच थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है। यस सर आ गया, अच्छा याद आ गया ना, चलिए आंसर दे दीजिए एक बार फटाफट। फिलेरिस माइनर, हाँ वेरी गुड रोहित कुमार, सही बात है, अलग अलग नाम है इसका, बहुत सारा नाम है उसका, ठीक है। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा, थ्योरी पोर्शन पढ़े हैं तो आपसे बन जाएगा, क्योंकि 20 थ्योरी से क्वेश्चन उठाया गया है। इनमें से कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का एग्जाम्पल कौन सा होगा, ऑप्शन सी जो लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। 11 का क्या होगा, कॉक होगा, ठीक है। इसका पूरा नाम बहुत बड़ा होता है जो कि हमें भी अच्छे से नहीं याद है अभी, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार क्या होता है, कॉक्स होता है, KOCK। अगला क्वेश्चन चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। खली में नाइट्रोजन कितना होता है, 11th वाला आपसे बन जाएगा ये, जो 11th से होंगे, क्योंकि उसके बुक में सॉयल साइंस में डिटेल में दिया गया सब चीज़ें, परसेंटेज वगैरह ना वो लोग अच्छे से याद किया होगा आई थिंक, जो 11th में होगा। खली जो होता है उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है बताइए, अगर कोई 11th का क्लास कर रहा है, 11th का स्टूडेंट, उससे आसानी से बन जाएगा, क्योंकि उसके बुक में और अच्छे से डिटेल्स में दिया गया है सब चीज़ें। तो 12 का बी होगा, 12 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 2 से 7% बता रहे हैं, देखते हैं, सबका आंसर आने दीजिए। क्या लिखा है, यस सर ये वीडियो रहेगा, डिलीट हो जाएगा, वीडियो रहेगा, डोंट वरी, ये वीडियो रहेगा, ठीक है। आपके लिए अलग सेक्शन बना दिए हैं यूट्यूब पे MCQ सीरीज के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा सारा वीडियो। हाँ सही है, ऑप्शन बी, सबका आंसर सही आ रहा है, क्या बात है, पूरा एकदम गर्दा उड़ाए हैं आप लोग, तो पूरा पढ़ गया है क्या, 2 से 7% सही है, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, अब एग्जाम है आप, अब नहीं तो कब पढ़िएगा, ठीक है। बताइए बिहार में वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है, अभी 2 दिन पहले यूट्यूब पोल में ये चीज डाले हुए थे, मैक्सिमम स्टूडेंट का वहाँ पोल गलत हो गया, बताइए उसको कौन सा अवार्ड, जूता अवार्ड देगी नहीं देव लड़का को, बताइए जो लोग गलत किया आंसर। ये क्वेश्चन आपके यूट्यूब पे पोल सेक्शन में डाला गया था, मैक्सिमम बच्चा वहाँ पे गलत किया इस आंसर का, तब हम 24 घंटे के बाद क्या किए उसका आंसर पिन कर दिए कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर पहले आप लोग दीजिए, जरा पूछते हैं आप ही लोग से आंसर क्या होगा, बताइए 13 का क्या होगा, 13 का क्या होगा, जल्दी बताइए पहले। हाँ काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूट्यूब पे भी पूछे थे आप लोग से कि इसका आंसर क्या होगा,
लेकिन आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं, मैक्सिमम बच्चा 24 घंटा तक आंसर का वेट किए थे, सब लोग एकदम गलत आंसर देना शुरू कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। ये रहा अपना बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी, हम चैनल पे आते हैं, एक बार देखते हैं कि पोल में कितना लोग सही किया था। अच्छा, प्लेलिस्ट है, पोल कहाँ पे रहता है? अच्छा, कम्युनिटी टैब में रहता है। हाँ, मिल जाइए भैया, मिल जाइए। आज से 2 दिन पहले देखिए, बिहार में लगभग 10% वन क्षेत्र, ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, 258 आदमी वोट किया है। ठीक है, इसमें जो क्लिक करना पड़ेगा क्या राइट आंसर, अब देखिए यहाँ पे साइन इन करने बोल रहा है, सॉरी अभी साइन इन तो करेंगे नहीं हम इसको बैक कर लेते हैं। आप लोग चेक कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चा जो है ना गलत आंसर दिया उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये सब पोल आप लोग दिया कीजिए, फिर हम क्या किए कमेंट बॉक्स में हमको पिन करना पड़ा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए हम आंसर बाद में पिन किए हैं, तो आप लोग यार सही से थोड़ा क्या कीजिए, बेसिक क्वेश्चन है गलत कर देते हैं आप लोग, जो कि पढ़ाया गया क्वेश्चन है क्लास में, कितना बार टेस्ट में पूछे हैं क्वेश्चन को, इस तरह का काम मत कीजिए। ठीक है, हाँ आंसर दीजिए 13 का क्या होगा, 13 का ये होगा सही है, कितना होगा 6.59%। ठीक है, इतना ही है, अगर होना चाहिए कितना तो अप्रोक्स 33%। ठीक है, लेकिन है नहीं ना, ध्यान रखिएगा। हाँ ये होगा सही है आप लोग का। आगे चलते हैं, अगला है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है लाख हेक्टेयर में बताइए, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया कितना है बिहार का, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसका आंसर दीजिए, अब सही देने का प्रयास कीजिएगा, रिक्वेस्ट आप लोग से। 14 का बी होगा, 14 का कितना, हाँ सही है 93.59%, ये सही है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम लोग क्योंकि बहुत पीछे चल रहे हैं अभी तक में, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है जल्दी आंसर दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है मैंगो क्या है राष्ट्रीय फल है, 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, पूछा है आम की संकर प्रभेद कौन सी है, व्हाट इज द हाइब्रिड वैरायटी ऑफ मैंगो, आम का संकर किस्म क्या है, ऑप्शन ए मल्लिका, ऑप्शन बी आम्रपाली, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी प्रभाशंकर। तो बताना है आपको कि आम का संकर किस्म कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं हम लोग, 16 पे आ चुके हैं, संकर किस्म कौन सा है, गलत आंसर क्यों दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन बी कैसे हो सकता है, आम्रपाली है मल्लिका दोनों है ना, मल्लिका भी और आम्रपाली भी है, क्लास में बताए हैं आप लोग को क्रॉस कैसे हुआ वही बताए हैं, डीएनए करके बताए थे ना, दशहरी और नीलम का क्रॉस किया गया तो आम्रपाली आया था, D into N बराबर क्या था आम्रपाली था हमारा, आम्रपाली होता है जो भी होता है आम्रपाली, यार ऊपर का है वो क्या, इस तरह नहीं बताए थे आप लोग को, क्रॉस कराया गया। अगर वहीं हम बात करते हैं मल्लिका की, तो यहाँ पे क्या किया था N into D, हाँ उल्टा क्रॉस कराया था, तो क्या तो हमारा मल्लिका वैरायटी आई थी हमारा, ये तो आपको पता होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, दोनों क्या है हमारा संकर किस्म है, दोनों हाइब्रिड वैरायटी है हमारा। ठीक है, ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 17 है, पपीता कुल का पौधा है बताइए, पपाया जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है, पपीता जो है आपका किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पपीता किस फैमिली से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर कितना आ गए हम लोग, 17 पे ना, हाँ 17 बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 17 का सी है सही है, सी नहीं होगा ए होगा, कैरिकेसी फैमिली से बिलोंग करता है पपाया। ठीक है, हाँ कैरिकेसी ऑप्शन ए, 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, रूटेसी रूटेसी वगैरह नींबू का होता है ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मुझे से फिर आपका गुआवा का होता है ये सब याद रखिएगा। आगे नारियल की संकर प्रभेद कौन सी है बताइए, नारियल का संकर किस्म कौन सा है, चौगाट है केरासरी है मलियन है या डवार्क ग्रीन है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा। ठंड बहुत ज़्यादा है ना आप लोग की इधर भी, नया साल के बाद ठंडा बहुत बढ़ गया है, 18 का आंसर दीजिए आप लोग, ऑप्शन क्या दे रहे हैं
बी, वेरी गुड, ऑप्शन बी केरासिरी क्या है हमारा, एक वेरायटी है जिसका, नारियल का, कोकोनट का, ठीक है, कोकोस नुसीफेरा इसका बहुत निकलने में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कोकोनट नाम में छुपा हुआ है, देखते हैं कोकोनट, इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट, बहुत निकलने में कोकोस नुसीफेरा, इस तरह याद कीजिए आप लोग, ये हो जाएगा याद। कल परसों क्वेश्चन आपके दिए थे हम टेलीग्राम, सॉरी यूट्यूब में पोल में डाले थे, फूलगोभी का क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है, आप लोग आंसर वहाँ पे सही बताए, मैक्सिमम लोग का आंसर सही आया, दो तीन लड़का लोग है जो गलत आंसर दे दिया है वहाँ पे, बाकी मैक्सिमम का सही आंसर था, बताइए क्या होगा राइट आंसर। फूलगोभी का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, फूलगोभी का क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 19 का बता दीजिए, 19 का क्या होगा, ऑप्शन ए 18 होता है, सही है सबका, बट 11 का कौन है सर, 11 का कौन कौन है सर, हाँ अच्छा पूछ रहा है यहाँ पे भाई, 11 का कौन कौन है, कौन, अमित भूषण पूछ रहे हैं ना आप, जिसको क्लास करना होगा 11 का, 11 का लड़का जो होगा कर रहा होगा, ठीक है चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, आलू का उद्भव स्थल कहाँ, व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ पोटेटो, पोटेटो का ओरिजिन प्लेस कहाँ है, आलू की उत्पत्ति कहाँ से हुई है पोटेटो की, क्लास 11th वाले कहाँ गए, आपको तो हम देखे सर आपको चिल्ला चिल्ला के क्लास में पढ़ा रहे थे, बेसिक ही है, एक दो ट्रिक भी आपको दे रहे थे वहाँ पे शायद, कि आलू ऐसे खाते हैं, चैप्टर फर्स्ट जब पढ़ा रहे थे आप लोग को तो बताए थे ना, एक दो ट्रिक आप लोग को वहाँ पे सर बता रहे थे क्लास में, याद होगा आप लोग को, बताइए क्या होगा राइट आंसर है, आलू की उत्पत्ति कब हुई है, ये भी क्वेश्चन सर बताए थे आपको, याद है कि भूल गए, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दीजिए क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका बता रहे हैं सब लोग, सही है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मैक्सिमम लोग का आंसर सही आ रहा है, बी होगा सर, एकदम सही है आप लोग का, तो बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर आ रहा है आप लोग का, साउथ अमेरिका, ओके ओके ओके, आगे चलते हैं। अगला है गाजर फसल के लिए बीज दर क्या होता है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ कैरोट, गाजर का बीज दर, देखिए हॉर्टिकल्चर में आ गए हैं हम लोग, ठीक है ये सब हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है आपका, बताइए गाजर का बीज दर क्या होता है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ क्या चीज, कैरोट, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 का सी, क्या बात है एकदम बवाल आंसर दिए हैं, 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर होता है, सही है आप लोग का, 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ टोमेटो, टमाटर का वनस्पतिक नाम क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होगा क्वेश्चन 22 का, क्योंकि तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सर, सेकेंड राउंड का 5 को आएगा, हाँ 5 को आएगा, कुछ टेक्निकल इरर आ रही थी वेबसाइट पे, इसलिए डेट तो थोड़ा सा इनक्रीज किया गया है, ठीक है, और हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हम खुद बाहर थे, नया साल था और बाहर चले गए थे, और वहाँ पे कुछ साधन था नहीं कि आपको वीडियो बना के दे सके, इसलिए हमने क्या किया था, टेलीग्राम के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया था, और व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा दिए थे शायद, तो आप लोग देख लिए होंगे सब लोग, और आप लोग खुद होशियार हैं, समझदार हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पे थे हम लोग, हाँ 22 का क्या होगा, ऑप्शन ए होगा सोलानम लाइकोपर्सिकम, क्या टमाटर का होता है, अगर वही ऑप्शन बी की बात करते हैं किसका होगा, ये सोलानम मेलनजाना किसका होता है, जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, ऑप्शन बी किसका होता है, थोड़ा यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जल्दी बता दीजिए, सोलानम मेलनजाना किसका होता है, पीडीएफ मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा भैया आप ही के लिए है, वेरी गुड, बैगन का होता है, ब्रिंजल का होता है, ठीक है, ठंडा में लेके लिखने का मन नहीं कर रहा है हमको, लेकिन क्या सर लिखना पड़ेगा, कैप्सिकम एनम किसका होता है, कैप्सिकम एनम होता है आपका मिर्च का, चिली का, ठीक है, और आपका रेफेनस सैटाइवस किसका होता है, रेफेनस सैटाइवस रेडिश का होता है, ठीक है, किसका होता है, मूली का, मूली का होता है, रेडिस का होता है, ध्यान रखिएगा तीनों आप लोग, चारों याद रखिएगा, यहाँ से आगे चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आगे चलते हैं, अगला है आलू का प्रभेद क्या है, वेराइटी ऑफ पोटेटो इज, मतलब इसमें से आलू का प्रभेद कौन सा है, काफी सिंपल तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि आलू का वेराइटी कौन सी है, या फिर आलू का वैरायटी को याद करने का बहुत ही इजी तरीका आप लोग को क्लास में बता चुके हैं, आई थिंक आप लोग को याद होगा, बताइए इसमें से कौन है जो आलू का वैरायटी है,
एकदम इजी है यहाँ पे। 23 का बी बता रहे हैं, 23 पे है। हाँ 23 का बी सही है, कुफरी चंद्रमुखी। ठीक है, कुफरी क्या है, प्लेस का, जगह का नाम है, जो कि शिमला में स्थित है। और जितना भी आपका कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी चिप्सोना, ये सब जितने भी होते हैं, कुफरी लगा रहेगा, वो सब आलू के वेराइटी होते हैं, ये पता होगा आपको। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, शिमला आपके कुफरी में स्थित है, इसलिए जितना कुफरी वाला होगा उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, कुफरी चंद्रमुखी। वेरी गुड, सही है। व्हाट इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ ककम्बर या कुकुम्बर, जो पढ़ना पड़िए। खीरा का उद्भव स्थल कहाँ है, खीरा का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। जल्दी बता दीजिए एक बार, क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। चलिए ओके ओके, आगे चलते हैं। क्या बता रहे हैं, 24 का आप लोग, 24 का ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, इंडिया। वेरी गुड, भारत हमारा क्या है, इसका ओरिजिन प्लेस है। सही है आप लोग का आंसर। ओके वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, गुलाब के सुगंधित किस्में कौन सी है, बताइए। गुलाब का सेंट्रेड वेरायटी कौन सा है, कल परसों बता रहे थे एग्जाम में, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आएगा। गुलाब का सेंटेड कौन सा है, पीला किस्म कौन सा है, लाल किस्म कौन सा है, ठीक है, व्हाइट किस्म कौन सा, अलग अलग क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। सो प्रॉपर ध्यान रखिएगा यहाँ से। चैप्टर कहाँ का क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, यूनिट 2 का। ठीक है, फूल औषधि एवं सुगंधि करके चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 25 है ना, बताइए 25 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन भी देख लीजिए, देखना है तो ऑप्शन बी, सॉरी 25 का आंसर बताइए, 25 का आंसर बताइए क्या होगा। ऑप्शन सर, हाँ ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऑप्शन दिखा रहे हैं। हाँ चलिए ओके, ऑप्शन सी बता रहे हैं ना आप लोग, क्वीन एलिजाबेथ। नहीं, क्या पूछ रहा है, सेंट्रल वैरायटी कौन है, सुगंधित किस्म कौन सा है। ठीक है, सेंट्रल वैरायटी ऑफ रोजीज, ब्लू मून, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्लू मून जो वैरायटी है ना, हाँ अब सही आ रहा है, ऑप्शन ए जो बता रहे हैं उनका सही है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ओके ऑप्शन ए, ब्लू मून क्या है, सेंट्रल वैरायटी है किसकी, रोज की। सी नहीं है भैया, ए है, सी पे काहे क्लिक हो रहा है, ठंडा में हाथ भाग रहा है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। आगे चलते हैं, लेमन ग्रास, नींबू घास को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में लेमन ग्रास लिखा गया है, हिंदी में कहीं कहीं पे नींबू घास लिख देगा। ठीक है, कहीं कहीं पे एग्जाम में ना नींबू घास लिख देता है, बताइए लेमन ग्रास का किस्म कौन सा है यहाँ पे, प्रगति, परमान, नीमा या इनमें से कोई नहीं है, आंसर क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिस्टेक क्या है, अब यहाँ देखिए दिया है इनमें से कोई नहीं है, और इंग्लिश लिखा ऑल ऑफ दिस, मतलब इनमें से सभी है, तो इनमें से क्या होगा यहाँ पे, सभी होगा। ठीक है, प्रगति, परमान और नीमा, ये तीनों क्या है आपके वेराइटीज के नाम है, किसका, लेमन ग्रास का, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ये क्या है, लेमन ग्रास का वेराइटी है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। 26 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, 26 का क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ओके चलिए, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगला है, औषधीय पौधा अश्वगंधा, ठीक है, का उपयोगी भाग कौन सा है, जो हमारा अश्वगंधा होता है उसका उपयोगी भाग कौन सा होता है, और ये इसका बोटनिकल नेम दिया गया है शायद, तो इसको भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। बताइए, आप लोग को बताए थे ना क्लासिफिकेशन मेडिसिनल क्रॉप का, कि किसका कौन सा पार्ट खाने वाला होता है, गिलोय का कौन सा पार्ट खाते हैं, अश्वगंधा का कौन सा खाते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में, हो सकता है गिलोय पूछ देगा अगली बार, ऐसा होता है एग्जाम में, तो आपको वो याद करना पड़ेगा थ्योरी पोर्शन से। लास्ट चैप्टर है आपका यूनिट 2 का। ठीक है, बताइए अश्वगंधा का कौन सा भाग खाते हैं, क्वेश्चन 27 का आंसर दीजिए। ऑप्शन बी जर, सही है आप लोग का, सब लोग जर बता रहा है, ऑप्शन बी, क्या बात, तगड़ा तैयारी करके आप लोग आए हैं। अगर आप लोग सच में अपना मन से आंसर दे रहे हैं ना, तो आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया है, सच कह रहे हैं। ठीक है, 35 में 35 ठोक के आइएगा आप लोग, गारंटी देते हैं हम। अगर अभी क्लासेज जो हमारा यूट्यूब पे होगा उसको कर लीजिएगा ना, तो ऑब्जेक्टिव में 35 आप लोग को आराम से आ जाएगा, लिख के देते हैं, अभी आज फर्स्ट क्लास है ना, बोल रहे हैं लास्ट क्लास तक बने रहिए, ऑब्जेक्टिव में 35 35 यहाँ से आ जाएगा आपको।
चलिए आगे चलते हैं। प्रसार शिक्षा क्या है, व्हाट इज एक्सटेंशन एडुकेशन? प्रसार शिक्षा है, एक्सटेंशन एडुकेशन इज डैश क्या है? अनौपचारिक शिक्षा है, कृषि तकनीकों का प्रसार है, या ये भी दोनों है, या औपचारिक शिक्षा है? प्रसार शिक्षा क्या है बताइए? इनफॉर्मल एडुकेशन है, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, बोथ हो ये भी दोनों, या फिर फॉर्मल एडुकेशन? 28 का क्या होगा बताइए? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले आप लोग दीजिए आंसर। सी दे रहे हैं आप लोग, क्या बात है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर दे दीजिए। सही है ऑप्शन सी, ए भी दोनों राइट आंसर है। ठीक है, ये 28 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, ये हमारा सेट वन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, सेट वन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सेट टू को फटाफट करेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो उसको बीच कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग सेट टू पे आते हैं अब। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे आप लोग का दिया गया है, आप चाहे तो आंसर भी देख सकते हैं। पीपीटी आपको मिल जाएगा कहाँ पे, हमारे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए बिहार एग्रीकल्चर ऐप, उस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए मॉडल सेट टू पे आते हैं हम लोग, दो सेट पर डे करवाएंगे, फटाफट खत्म होगा तो फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, फिर से सीरियल नंबर वन शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है, रबी क्रॉप सोन इन, रबी क्रॉप को कब लगाते हैं? जस्ट ऊपर क्लास में बताए थे आपको, हम आंसर दे दीजिए अपना मन से एक बार फटाफट। रबी फसल को कब लगाते हैं हम लोग, रबी फसल लगाने का समय क्या होता है? व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ रबी क्रॉप? अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या लिखिएगा जल्दी, हम लोग फर्स्ट पे आ गए हैं, 28 क्वेश्चन इसमें भी हैं, उसको फटाफट देख लेंगे तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या बता रहे हैं, सी, सी में क्या दिया गया, सितंबर अक्टूबर, वेरी गुड। ठंड का जो टाइम होता है ये क्या होता है, रबी क्रॉप लगाने का होता है। ठीक, गेहूं वगैरह देखिए होइएगा लगता होगा, अभी गेहूं आलू सब लगाते हैं ना अभी। चलिए अगला है, उत्तेजक फसल क्या है, स्टिमुलेंट क्रॉप क्या होता है, उत्तेजक फसल कौन सा होगा? यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन ये भी, उत्तेजक फसल का एग्जांपल कौन सा है? प्याज है, हल्दी है, चाय है, या मिलेट्स है, जिसे खाने के बाद या पीने के बाद कुछ टाइम के लिए उत्तेजना आती है हमारे शरीर में, क्या होगा? ऑप्शन सी चाय हो जाएगा। हाँ, कैमिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है ये, पता होगा आपको, क्योंकि चाय के बारे में भी आप लोग पढ़े हैं डिटेल्स में, आपके बुक में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से एक दलहनी फसल नहीं है। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, आपको गौर करना है कौन सा पॉइंट पे नहीं पे, जल्दीबाजी में गलत मत पढ़ लीजिएगा कि सर निम्नलिखित में दलहनी फसल है, पूछ रहा है नहीं कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है, मक्का, मटर, चना, मसूर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। एग्जाम में कभी कभी इस टाइप से आपके सामने कंडीशन होगा कि क्वेश्चन इतना इजी होगा ना, देख के खुश हो जाइएगा आप लोग, तो खुश नहीं होना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा आराम से अच्छे से पढ़ के बनाना है, जल्दीबाजी में मत बना दीजिएगा। हाँ सही है, मक्का हमारा क्या है, अनाज वाली फसलें हैं, मेज जो होता है हमारा, मक्का जो है अनाज की फसलें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है? जो भी पल्स होता है ना, यानी दाल वाली फसल, उसमें प्रोटीन की मात्रा कितनी परसेंट पाई जाती है? काफ़ी हाई अमाउंट में पाया जाता है, इतना जान लीजिए, अच्छा खासा मात्रा में पाया जाता है। जो लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी होते हैं ना, उनके शरीर में प्रोटीन की पूर्ति जो होता है दाल के द्वारा होता है। बाकी जो अंडा वगैरह खाते हैं, उनके शरीर में तो अंडा वगैरह से बहुत सारा प्रोटीन मिल जाता है उनको, पता होगा आपको भी। लेकिन जो वेजिटेरियन हैं, उनके शरीर में जो पूर्ति होती है प्रोटीन की, वो दाल के द्वारा होती है। हाँ, 20 से 28 बता रहे हैं, बिल्कुल सही आपका आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 20 से 28% तक पाई जाती है। ठीक है, सही है, सही है, ओके। चलिए आगे चलते हैं, अगला है, संसार का अरहर, हाँ, भारत में पैदा की जाती, कितना परसेंट पूरे संसार का अरहर भारत में कितना परसेंट पैदा हो, उपजता है, ये समझिए। वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ अरहर इन इंडिया इज, पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट जो है इंडिया जो है प्रोडक्शन करता है, किसका, अरहर का, के जनस के जान का, बॉटनिकल नेम होता है इसका। ठीक है, 5 का आंसर दे दीजिए, 5 का डी होगा, 90%, वेरी गुड, सही है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, बी नहीं, डी, 90%। चना में फली छेदक रोग, छेदक के दोदक लिखा हुआ है, छेदक होता है, ठीक है, हालांकि कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, आप लोग याद तो करते हैं ना, अभी कुछ देर पहले हम लोग जो है देखिए भी थे, बताया था रोहित क्लास में शायद,
नहीं, दूसरा क्वेश्चन था वो, सॉरी, ये कीट का नाम पूछ रहा है। बताइए चना का पॉड बोरर कहते हैं इसको इंग्लिश में। देखिए यहाँ पे दिया साइंटिफिक नेम ऑफ ग्राम पॉड बोरर इंसेक्ट नेम इज, क्या होगा इसका साइंटिफिक नेम? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा? फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम, क्या बात है, गलत है। उकटा रोग का होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरियम, ठीक है, जो कि उस टाइम रोहित बताया था शायद क्लास में। हम यहाँ कीट की बात कर रहे हैं, इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, कौन सा पोड ब्रॉड इंसेक्ट की बात कर रहे हैं? 6 का बी गलत है, बी नहीं होगा। 6 का बी नहीं होगा, गलत है, इंसेक्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन सही से पढ़िए, डी नहीं होगा। रवि शर्मा सही आंसर दिया है, ऑप्शन ए, वेरी गुड। एक और आंसर कौन सही दिया था? विवेक कुमार का भी आंसर सही है, वेरी गुड। ऑप्शन ए होगा हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, ये सही है आपका, ठीक है, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा राइट आंसर होगा। पॉड बोरर का जो इंसेक्ट है उसका बोटनिकल नेम होता है, क्या होता है? हेलिकोर्पा आर्मीजेरा। 11th वाले आपको तो पता होगा, आप कहाँ गुम गए, क्योंकि आपके 11th में तो अच्छे से दिया गया है फिगर के सहित, कैसा होता है आप लोग देखे भी होइएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, पॉलीफिनॉल जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है वो किस में पाया जाता है? पॉलीफिनॉल विच प्रोटेक्ट अस बाय अब्डोमिनल कैंसर इन प्रेजेंट इन, किस में पाया जाता है ये, जो हमें पेट जनित कैंसर से बचाव करता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा? सही है, अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। 7 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मटर में होता है, ठीक है, पी में होता है, पी का बोटनिकल नेम क्या होता है? पाइसम टैटाइवम होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है, उड़द के उन्नत प्रभेद कौन से हैं? उड़द के उन्नत प्रभेद कौन सा है? इसमें से उड़द का वेरायटी कौन सा है? T9 है, पंत उड़द, 30 है, शेखर, या इनमें से सभी है? काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, जितने भी हैं ना ये सारे उड़द के वेराइटीज के ही नाम है, तो इनमें से सभी यहाँ पे राइट आंसर कर दीजिए, ठीक है। ऑल ऑफ दीज क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, लव यू सर, ओ हो, लव यू टू ब्रो। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, देखिए अम्लीय मृदा बनने के कारण क्या हो सकते हैं? चैप्टर 4 में दिया गया है आपका, बताइए अम्लीय मृदा बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? अधिक वर्षा या भस्मों का ह्रास होना, कार्बनिक पदार्थ का अपघटन होना, या फिर अम्लीय उर्वरकों का होना, या इनमें से सभी? क्या आपको क्या लगता है ऐसा, क्या होगा राइट आंसर है? जो मिट्टी हमारा अम्लीय होता है ना, एसिडिक हो जाता है, वो क्यों होता है, क्या रीजन क्या है इसका? तीनों है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? तीनों हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज, ये तीनों रीजन होते हैं, इसके कारण क्या होता है? अम्लीय मिट्टी हो जाता है हमारा, ऑल सही है, सही है, आप सबका सही है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, 11 वाला गन्ना पढ़ा होगा आप लोग, 11 में दिया गया गन्ना के बारे में, गन्ने की फसल के लिए मृदा का पीएच मान कितना माना जाता है? और इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में, सॉरी बीसीसी के एग्जाम में गन्ना शुगर केन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, आपके बिहार कंबाइंड के एग्जाम में, जैसा कि स्टूडेंट ने कहा था, रोहित क्लास में होगा तो बता भी देगा, अगर रोहित क्लास में होगा, ये बीसीसी स्टूडेंट है, इनको सबौर कॉलेज बिहार का टॉप कॉलेज मिल भी गया, एडमिशन भी इनका हो गया है। हाँ देखिए लिख भी दिया है सर, ये बीसीसी में था, पता है, आप लोग बताते हैं तो हमें भी ध्यान में रहता है क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, तो ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इसको आप लोग जो है अच्छे से कीजिए, आपका आगे भी काम देगा, समझ रहे हैं ना बात को, क्योंकि देखिए बीसीसी वाला बच्चा क्लास में प्रेजेंट है, बता भी रहा है आपको, आपको इस तरह से हेल्प मिल रहा है, इसका फायदा उठाइए। सही है, 10 का सी हो जाएगा, 6 से 7% के बीच, 7.5%, 6.7.5 तक होता है। अगला है, ओडियल पेरिनियल वीट कौन सा होता है? काष्ठीय खरपतवार के उदाहरण कौन से हैं? खरपतवार से वही चीजें, बहुवर्षीय खरपतवार, एनुअल वीट, सब पढ़े हैं ना, क्लासिफिकेशन है, तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पे काष्ठीय खरपतवार के उदाहरण? ऑप्शन ए लेटाना कैमरा, ऑप्शन बी साइप्रस रोडंडस, ऑप्शन बी डैकस केरोटा, ऑप्शन डी ट्राइएंथेमा मोनोगाइना। 4 ऑप्शन दिया गया, किसी एक को आपको चूज करना है। सर पोल दीजिए ना प्लीज, अभी नहीं, पोल जो है क्लास इंड होने के बाद एक पोल आपका जो है यूट्यूब पे आज भी डाल देंगे, आंसर आप लोग सही दिया कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, वो वाला क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग खराब हो गया यार, एकदम मतलब भेड़िया के चाल में चल रहा था, एक बच्चा ने गलत आंसर दिया तो सब बच्चा गलत आंसर देते चला गया,
जो होशियार था, एक दो बच्चा पढ़ने वाला था, वो नीचे कमेंट भी कर दिया सर ऑप्शन ये सही होगा, फिर भी गलत दे रहा था आंसर वो लोग। तो आपको भेड़िया के जाल में नहीं चलना है, ठीक है, आपको जो सही लगेगा ना उस पर काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना, 11 है, और आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए दे रहे हैं, लेट आना कैमरा, सही है ऑप्शन ए, लेट आना कैमरा क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, खरपतवारों की रोकथाम की विधि है, बताइए कंट्रोल करने का कौन कौन सा मेथड है, रोकथाम की विधि कौन कौन सी है, आपको तीन चार विधि पढ़ाए हैं क्लास में शायद। सर ये सब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए फर्स्ट सेमेस्टर, मोनिका कुमारी जी नहीं, ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका, ये बोर्ड एग्जाम के लिए, बाकी क्वेश्चन ठीक है, लेवल ठीक है क्वेश्चन का यहाँ पर भी। हाँ सचिन कुमार कमेंट किया था, गुड ओके, आंसर दे, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, विश्व में केचुए की फैमिली की संख्या कितनी है, बताइए कितना प्रकार का केचुआ पाया जाता है अपने विश्व में पूरा, एक थ्योरी पोर्शन का लाइन है आपके बुक में दिया गया है, चैप्टर 6 में पढ़ाए होंगे, जहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि वगैरह दिया गया है। ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 13, 13 का आंसर दीजिए, ऑप्शन बी 1000, अरे आम का वैरायटी पढ़े हैं 1000, आपकी केचुआ पढ़े हैं, इतना कन्फ्यूज काहे कर रहे हैं, मैंगो वाला में पढ़ाया ना कि विश्व आम का जो है 1000 से अधिक प्रजाति पाई जाती है, यहाँ केचुआ का पूछ रहा है फैमिली स्पेसीज कितना, 10 होता है शायद, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 13 का क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए और रोहित कुमार यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग को एक हेल्प कर रहे हैं कि हाँ, और ये प्रश्न 2020-21 में पूछा, थ्योरी दो प्रश्न थे, देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बीसीसी 2021 में पूछा गया है, ठीक है तो आप अच्छे से पढ़िए इसको। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, 10 होगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर आंसर शीट, अगर किसी को डाउटफुल है तो आप एक बार बुक में कवर कर लीजिएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन नंबर 14, समस्त उद्योगों की जननी है, हाँ सही बात है, जितना उद्योग है सबका जननी कौन है बताइए, कोयला है, कृषि है, खनिज तेल है, बिजली है, क्या है, आंसर दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 14 कितना है ये, 15 है क्या, नहीं 14 ही है, 14 का आंसर दीजिए, समस्त उद्योगों की जननी कौन सी है, जितना उद्योग है, ऑप्शन बी कृषि है ना, एग्रीकल्चर है हमारा, ठीक है एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं, पूछा गया है कृषि पर रॉयल कमीशन के प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुई थी, कौन सी ईस्वी में, चैप्टर फर्स्ट में दिया गया हॉर्टिकल्चर का, आप हॉर्टिकल्चर जब बुक पढ़िएगा, चैप्टर फर्स्ट आपका जो है बेसिक नॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसी में दिया गया ये चीज़ें, कृषि पर रॉयल कमीशन का प्रतिवादन हुआ था, 1919 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1939 में हुआ था, या फिर 1949 में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दे दीजिएगा आप लोग, क्या बात है पूरा डिटेल में लिख रहे हैं आप लोग, सही है क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा 1929 में हुआ था। ठीक है ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। आगे चलते हैं, रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज पब्लिश्ड इन, कब हुआ था, 1929 में, 1929 में हुआ था। अगला चलते हैं, फसलों की तुराई के उपरांत प्रबंधन में आता है, ठीक है अंडर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, जब फसल की तुराई करते हैं उसके अंदर में कौन कौन से प्रबंधन आते हैं, श्रेणीकरण, उसका ग्रेडिंग करते हैं, हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना सीड साइंस का है, आप लोग जब BSc AG कीजिएगा तो एक आपको चूज पढ़ना होता है सीड साइंस, बहुत अच्छा चीज़ें हैं, हम लोग सीड को कैसे क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़िएगा उससे क्वेश्चन लिया गया है, बाकी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ये वाकई देखा जाए तो। ठीक है ग्रेडिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, इनमें सभी काम करते हैं, जब फसल को हम लोग तोड़ लेते हैं तो क्या करते हैं बताइए, कौन कौन सा मैनेजमेंट करना पड़ता है, ये सब है, छोटा है कि बड़ा है साइज में, उसको ग्रेडिंग करते हैं ना, कौन ग्रेड का फल है हमारा, ये भी करते हैं, स्टोर भी कर रखते भी हैं, प्रोसेसिंग का भी काम करते हैं, मतलब क्या इनमें सभी काम, सब काम करना पड़ता है,
ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज। ओके आगे चलते हैं। मसाला उत्पादन का लगभग डैश निर्यात होता है, बताइए मसाला उत्पादन का लगभग कितना परसेंट निर्यात होता है, ट्रांसपोर्ट कितना परसेंट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट। मसालों का शहर किसे कहते हैं, केरल को कहते हैं ना, तो कितना परसेंट मसाला जो हम लोग क्या करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, भेजते हैं बाहर अदर कंट्री को भेजते हैं, बताइए 50%, 10%, 15% या फिर 20%। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए क्या होगा, 17 का क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप लोग का क्या हुआ, कमेंट आना कम क्यों हो गया, आप लोग नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे 10%, ठीक है 10% याद रखिएगा। आगे चलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, पपाया से क्वेश्चन लिया गया, पपीता से लिया गया है। पपीता के पृथ्लिंगी प्रजाति कौन से हैं, पपीता का डायसिस वैरायटी कौन सा होता है, दो टाइप का वैरायटी पढ़े हैं आप लोग, पृथ्लिंगी और उभयलिंगी, याद है जरूर याद होगा पढ़े हैं तो, एक होता है पृथ्लिंगी वैरायटी और दूसरा आपका होता है उभयलिंगी वैरायटी, तो आपको बताना है कि पपीता का पृथ्लिंगी वैरायटी कौन सा है यहाँ पे, बताइए 18 का क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्या बात है गलत दे रहे हैं, ए आंसर। हाँ अब सही आ रहा है ना, कुछ लोग बी बता रहा है, अभी भी देख लीजिए कैसे बी कैसे हो सकता है बताइए जरा, पूछ रहा है पपीता का कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पृथ्लिंगी वैरायटी कौन सी होगी, तो पृथ्लिंगी कौन सा होता है पपीता का बताइए, ये होगा ना पूसा डवार्फ, ये हमारा पृथ्लिंगी प्रजाति है, बाकी पूसा डिलीशियस, पूसा मजेस्टी, ताइवान, ये सब क्या है आपका, ये सब आपका उभयलिंगी वैरायटी है। ओके ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, जो लोग ए बता रहे हैं उनका सही है। चलिए आगे चलते हैं, पूछता है कि अमरूद का कुल क्या, अभी जस्ट ऊपर बताए थे, ऊपर का जो सेट था उसमें हम बोले थे एक बार, बताइए अमरूद किस फैमिली से बिलोंग करती है, गुआवा जो है इसमें से किस फैमिली से बिलोंग करती है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा, अमरूद किस फैमिली से बिलोंग करती है, अरे यार ऊपर 19 का ए क्यों लिखे, रुटेसी से तो नींबू करता है ऊपर जस्ट बोले थे, ये जो है ना नींबू करता है, इससे भटक रहे हैं रास्ता आप लोग, 19 का क्या होगा, हाँ मेरेटेसी फैमिली सही है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, प्लीज पीडीएफ के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ऐप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला है नारियल की बौनी किस्म कौन सी है, बताइए इसमें से नारियल का बौना किस्म कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए फटाफट, नारियल का बौना किस्म कौन सा है, नारियल का बौना किस्म कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये 20 का आंसर बता दीजिए एक बार, चौगार भी है, मलयम भी है, गंगावदम भी है, या इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ये जितने भी हैं ये सब आपके कोकोनट के वैरायटीज ही हैं, ऑल ऑफ दिस सही है सबका, वेरी गुड सही है, सही है आप लोग सबका सही है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, केले का प्रसारण किसके द्वारा होता है, प्रोपोगेशन ऑफ बनाना बाय, बनाना का किस तरह होता है बताइए, चैप्टर 2 में पढ़ाए आपको हॉर्टिकल्चर में, फ्रूट साइंस में, केला का जो प्रसारण जो है किस मेथड से होता है बताइए, शक्कर के द्वारा होता है, टिश्यू कल्चर के द्वारा होता है, इनमें से दोनों के द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 21 21 का आंसर बताइए, केला का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, 21 का बी, सी राइट आंसर है, सही है ऑप्शन सी, शक्कर के द्वारा भी होता है और उत्तक प्रवर्धन तकनीक मतलब टिश्यू कल्चर के द्वारा भी होता है, दोनों माध्यम से होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, आंवला के प्रभेद नहीं है,
विच वन इज नॉट द वेराइटी ऑफ आंवला, इसमें से कौन ऐसा है जो आंवला का वेराइटी नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो चकैया NA1, सॉरी 9, नरेंद्र आंवला, ये तीनों जो है वेराइटी है किसके, आंवला के। गोला जो है ये राइट आंसर हो, ये क्या है आंवला का वेराइटी नहीं है। अब आप क्वेश्चन आता है सर आंवला का नहीं तो फिर किसका है, आप लोग बताइए किसका है, जल्दी बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गोला जो है किसका वेराइटी है, थोड़ा हिंट कर देते हैं, बनारसी गोला पढ़े हैं ना आप लोग, हम ज़्यादा हिंट नहीं करेंगे, जल्दी बताइए गोला किसका किस्म है, गोला जो है किसका वेराइटी है, बेर का वेराइटी है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ बनारसी गोला वगैरह पढ़े होगे आप लोग, ये किसका है, बेर का वेराइटी है, वेरी गुड, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। मूली में, मूली के पूसा हिमानी किस्म का बुआई का समय क्या है। अब मूली का एक वैरायटी है कौन सा, पूसा हिमानी है, इसका लगाने का टाइम क्या होता है, व्हाट इज द सोइंग टाइम ऑफ पूसा हिमानी वैरायटी ऑफ रेडिस, बताइए क्या होगा। अगस्त अक्टूबर लगाते हैं, सितंबर नवंबर में लगाते हैं, अप्रैल से अगस्त में लगाते हैं, या अक्टूबर से दिसंबर में लगाते हैं। अगर मूली वाला चैप्टर पढ़े हैं आप लोग, चैप्टर 3 ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए, 23 है। तो इसको जो लगाते हैं हम लोग आंसर, आप लोग क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं गलत है, आदित्य कुमार आंसर दिया है एकदम सही दिया है, इसको जो हम लोग लगाते हैं अप्रैल से अगस्त में, ये सही आंसर आ रहा है शायद। ठीक है, पूसा हिमानी जो वेराइटी है ना, इसका लगाने का जो टाइम होता है वो अप्रैल के मंथ में लगाते हैं, अप्रैल के गर्मी का जो टाइम होता है ना मोटा मोटी, उसको समझिए उस टाइम लगाते हैं। चलिए ओके, अगला है बैगन का लंबा किस्म कौन सा है। बैगन देखिए आप लोग ना, ब्रिंजल, ये भी बहुत सारा टाइप का होता है, एक बैगन लंबा भी होता है, एक गोल बैगन भी होता है ना, तो पूछता है इसमें से पता है लंबा वेराइटी कौन सा है, विच इज नॉट, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ठीक है, नोट पूछ रहा है, विच इज नॉट द लॉन्ग वेराइटी ऑफ ब्रिंजल, इसमें से कौन सा ऐसा वेराइटी है ब्रिंजल का जो लंबा नहीं होता है, बताइए क्या हुआ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिएगा आप लोग, क्या होगा 24 का, ये बता रहे हैं कुछ लोग सी भी बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप ही बताइए, कुछ लोग देखिए कौन से महानुभाव आ गए हैं जो डी बता रहे हैं। 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बता रहे हैं, जो पूसा हाइब्रिड 6 उन सब का सही है, पूसा हाइब्रिड 6 जो है राइट आंसर है हमारा, ठीक है ये सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, जल्दी आंसर बताइए, खीरा का उत्पत्ति स्थल कहाँ है, ऊपर ही पूछा गया था ना ऊपर में, खीरा का ओरिजिन प्लेस कहाँ पे होता है, जल्दी बताइए, आप लोग का क्लास में ही याद हो जाएगा मैक्सिमम चीज़। तो 25 का आंसर बताइए क्या होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले पूछा जा चुका है, अभी जल्दी बताइए खीरा का ओरिजिन प्लेस कहाँ था, तो बी भारत था ना, बहुत बढ़िया आंसर दिए आप सभी लोग, इंडिया, ठीक है इंडिया क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए हैं, अब यहाँ पे परवल होता है, परवर नहीं होता है, लॉ हो गया, ठीक है सही कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट गॉड का मतलब होता है परवल, ठीक है, तो पॉइंट गॉड का बॉटनिकल नेम क्या होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पॉइंट गॉड का बॉटनिकल नेम क्या होता है, इसका आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है काफी अच्छा है। परवल का वनस्पति का नाम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइएगा, परवल का वनस्पति का नाम, देखिए क्या आप लोग कौन सी दुनिया में, ये क्यों बता रहे हैं, परवल का वनस्पति का नाम क्या होता है, जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग, परवल का वनस्पति का नाम क्या होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग फटाफट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और यहाँ से आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि डिटेल में पूछा गया है, 20 बुक से पूछा गया है। देखिए परवल का जो वनस्पति का नाम होता है ना, वो आपका होता है ऑप्शन सी, ट्रिकोजेंथस डियोका, जो लोग ऑप्शन सी बताए हैं, हाँ अब सही आंसर आ रहा है, ट्रिकोजेंथस डियोका जो होता है उसका बोटनिकल नेम होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे दिया गया लूफा अंगुटुला, ये किसका होता है, ऑप्शन डी में जो दिया गया, इसको पता है किसी को, ये आपका होता है तुरई, झिंगली जानते हैं, झिंगली या तुरई जानते हैं, ठीक है उसका ये होता है, ठीक है ये जो है आपका झिंगली का होता है, ध्यान रखिएगा। कुकुम कुकुमिस मेलो किसका होता है, ध्यान रखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है,
ये खरबूजा का होता है, खरबूजा सब लोग खाए होगा, सब देखा होगा खरबूजा को, ठीक है। ये जो आपका होता है खरबूजा का होता है, जैसे भी लिखते हैं लिख लीजिएगा खरबूजा। और लुफा सिंड्रिकी किसका होता है, सिंड्रिका, जो बता रहे हैं अगले क्लास में नहीं बताएंगे हम, ठीक है, इसलिए यहाँ बता रहे हैं। अगर अगले क्लास में कोई क्वेश्चन यहाँ से फंसेगा तो आपको बताएंगे नहीं हम आपको। नेनुआ जानते हैं आप लोग, सब लोग जानता होगा, ये आपका नेनुआ का होता है बोट निकलने में, तो ध्यान रखिएगा तीनों चारों यहाँ से इंपोर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल सर, NH पे क्लास दे रहे हैं इसलिए ट्रक का आवाज आपको जा रहा है, ठीक है, आदित्य भारद्वाज। चलिए स्पेम मत कीजिए उतना, प्रिंस कुमार ए लिखने की उतना सत्ता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है, गुलदाउदी के प्रभेद हैं, वेराइटी ऑफ गुलदाउदी इज, गुलदाउदी क्या है, हमारा एक फ्लावर है, एक फूल है, इसका वेराइटी कौन सा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिएगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिएगा क्या होगा, गुलदाउदी का वेराइटी कौन सा है यहाँ पे, शरद प्रभा, हिमानी, लीनिमा, ये सब होता है, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, सही आंसर है। 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है आदित्य भारद्वाज, ट्रक का आवाज़ दारा जा रहा है, NH के साइड में घर है तो क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए, रूम पूरा बंद है फिर भी आवाज़ आ रही है। चलिए आइए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, सामूहिक संपर्क का आधार क्या है, मेथड ऑफ मास कॉन्टैक्ट, बताइए। ये भी आपका एक्सटेंशन एडुकेशन का है, अगर हम मास कांटेक्ट करते हैं, सामूहिक संपर्क करते हैं, इसका आधार क्या है, भ्रमण करना है, चल चरित्र है, रेडियो है, या समाचार पत्र है। मेथड ऑफ मास कांटेक्ट, मास कांटेक्ट, सामूहिक संपर्क, एक समूह में संपर्क करने का आधार क्या हो सकता है, भ्रमण करना हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, या फिर आपका न्यूज़पेपर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए क्या होगा राइट आंसर, सामूहिक का पूछ रहा है, अगर समूह मास कांटेक्ट की बात करता है, समूह में संपर्क करना कैसे करेंगे, टेलीविजन के माध्यम से नहीं, रेडियो नहीं, समाचार पत्र नहीं, भ्रमण करेंगे तब ना होगा, टूर पे निकलेंगे हम लोग, जब हम लोग भ्रमण पे निकलेंगे तो सबसे मिलते जुलते जाएंगे, समूह संपर्क हो जाएगा हमारा, कॉन्टैक्ट होगा सबसे, फिर तो सामूहिक संपर्क के ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना, हाँ, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, सो आप लोग देख लीजिए। चलिए ओके, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, यानी कि अभी तक में हम लोगों ने सेट टू भी कंप्लीट कर लिया है, सेट वन एंड टू दोनों हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मिलेंगे आप लोग से कब, कल है 5 ना, कल भी क्लास है आप लोग का, शेड्यूल में तो कल डाले हुए हैं हम, तो कल आप लोग का फिर क्लास होगा, इसी टाइम में कल क्लास आपका हो सकता है, मे बी टाइम आपको हम मैसेज कर देंगे, आप लोग को बता दिया जाएगा टाइम के बारे में, तो आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। 1 से 2 दिन क्लास इसी तरह चलेगा, उसके बाद एक फिक्स टाइम आपको नाइट के टाइम में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। भाई खुल तो जाओ ये, हाँ कल आपका क्लास है 5 को, कल हम आपका सेट 3 और 4 करवाएंगे, सो आप लोग प्रिपेयर होके आइएगा, और कल आपका डेट जो है BCC वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए न्यूज़ है कि उनका कल आपका ये आ जाएगा, ठीक है, किसका एडमिशन सेकेंड राउंड में होता है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, कल आप लोगों का सेकेंड राउंड आ जाएगा BCC का, कि किसका एडमिशन कहाँ पे हुआ है। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है सर। आंसर शीट ये सारा चीज़ आपको टेलीग्राम, हम ऐप पे पहले देखिए, हमारा जो ऐप है ना, दिखा भी दे, रुक जाइए, ऐप पे आइएगा, ये हमारा एप्लीकेशन है, अब डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड भी कर लीजिए, आप बता ही देते हैं थोड़ा सा, सुन लीजिए, ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप लोग चाहिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जिनके पास आईफोन है, जो आईफोन यूजर हैं वो अपना ऐप स्टोर जो भी उनका होता है उस पर भी आपको अवेलेबल है ये ऐप, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपका एक सेक्शन आएगा वहाँ पर स्टडी मटेरियल का, यहाँ दिख रहा है ना, आप साइड में जब क्लिक कीजिएगा ना, एक ऑप्शन है स्टडी मटेरियल, इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अभी हम डाले थे, किस में डाले थे, हाँ देखिए यहाँ फ्री नोट्स करके है, इस पर आइएगा और यहाँ देखिए सब कुछ डाला गया है, तो आइए जाके देख, जिनको भी चाहिए PDF वगैरह तो ऐप पे जाइए विजिट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा, वीडियो वगैरह दूसरा डाउनलोड कर यहाँ पे दिया हुआ है, तो उन सबको भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू,
आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर हम लोग, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। कल भी आप लोग अच्छे से पढ़, जिस तरह आज पढ़ के आए ना उसी तरह कल भी आप लोग पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। राधे राधे, जय हिंद, ओके ओके बाय। बिल्कुल फ्री, हाँ एकदम। चलिए ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।